प्रधान एम एस यू फाजिलका साडा जिहड़ा मेन मंग है पे बैंड की जी एक 12/2011 तो साडा पे बैंड जिहड़ा ड्यू है और साडे जो मुलाजमान की मंग है वह साडा पंजाब सरकार नालो बिजली बोर्ड के मुलाजमान का तो वध मंग की जा रही है। बेशक ही जदों तो बिजली बोर्ड बनया पे जिहड़े ग्रेड सी पे बैंड है वो पंजाब सरकार नालों साडे वक्रे होंगे सी क्योंकि जिहड़े पी एस पी सील का काम काज है वो पंजाब सरकार के मुलाजमान नालों वक्रा है और रिस्की है जी। इस वास्ते सब तो पहली मांग तो साडी हैगी है जी पे बैंड की और दूसरी सैकंड नंबर मंग है साडी छेवें पे कमीशन की उहदे विच भी हुण नोटिफिकेशन होया है कई तरह दियां उहदे विच उलझावां पाईआं ने उहदे विच कोई मुलाजमान इहना ज़्यादा बेनीफिट नहीं हो रहा जी। इस तों इलावा होर साडियां नेकां ही मंगां ने जिमें कच्चे मुलाजम पक्के करने पिछली पेनशन बहाल बंद करती नवे मुलाजमान बहाल करानी हैगी जी तो यूनिटा की माफ़ी होगी। सब तो वड्डी इक्को मंग ते इस समय असी जोर दे रहे हैं पे बैंड की जिंदे नाल सानू समुचे मुलाजम वर्ग नू फायदा होना है उहदे दी जाके छेवें पे कमीशन दियां पेवां फिक्स होनियां ने। इस वास्ते जी असी हमेशा ही असी मांग करते हैं भी जिहड़ा साडा पे बैंड है वह पंजाब सरकार के मुलाजमान तो वखरा सानू जो साडा बनता दिता जाए और पावरकॉम की मैनेजमेंट तो पंजाब सरकार ये मंग साडी मन्नी हुई है जी बस लागू नहीं कर रही सर्कूलेशन नहीं सर्कूलर नहीं जारी कर रही। धन्यवाद जी। किन्ने दिन का धरना चल रहा है? धरना चल रहा जी चौथे दिन में हैगा जी साडा धरना और लगातार इवें चलूगा जदों तक साडी मैनेजमेंट साडी ये मंग मनदी नहीं। वो साडा 26/11 तक ऐलान होया जी साडे स्टेट कमेटी वल्लों उदों तक चलूगा जे उस तों पहला कोई साडी डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर जो सानू उपरों साडी स्टेट कमेटी की कॉल आएगी जवैनपुरम की उहदे अनुसार धरना। कोई आया प्रशासन का अधिकारी? नहीं जी कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया कदे भी नहीं आया रोज़ ही नहीं आ रहे कोई अधिकारी नहीं इत्थे आया किसी ने कोई आश्वासन नहीं दवाया कि तुहाडियां मंगां असीं मंग ना लांगे या नहीं। मेरा नाम जी मुस्तफा राम मंडल सकत्तर पेंशनर एसोसीएशन मंडल फाजिलका। धरना लाया गया जी अज की कारण सी इहदा जी? ये जो अज धरना मुलाजम सांझा फ्रंट वालों लाया लाया जा रहा जी ये पिछले लंबे समय तो 2011 तो भी जदों अकाली सरकार सीगी भी पंजाब सरकार के जिहड़े मुलाजमान इन्होंने पेमेंट जिहड़ा है वो लागू करता सी
2011-12 तो असी उदों तो ही लगातार लड़े। 2014 के बीच दो मसल में असी लड़ते रहे, पेबैंड ते ग्रेड पे। ग्रेड पे 2014 के बीच साडा जिहड़ा सी लागू करता। उस वेले साडा समझौता होया सी पेबैंड बारे भी कि बहुत जल्द असी, क्योंकि पावर काम बिजली बोर्ड की जिहड़ी वित्तीय हालत माड़ी आ, भी जिस वेले हालत विच सुधार होगा असी फौरी जिहड़ा है भी तुहाडा जिहड़ा इहदा जिहड़ा जो बकाया बणदा वह दे देंगे। पर 2014 तो लैके लगातार जी पावर काम की मैनेजमेंट तो पंजाब सरकार साडे पेमेंट के मसले लटका रही है, जिस करके अज समुचे मुलाजम वर्ग में यह मजबूर हो के पंजाब सरकार के मैनेजमेंट के खिलाफ ये जिहड़ा एजिटेशन का जिहड़ा जो लगातार समूह छुट्टियां दे के भी दो दिन के पहला जॉइंट फोरम वालों जिहड़ा दो दिन का प्रोग्राम आया सी 15-16 का, उस तो बाद वाधा करता हूँ 26 तक। तो जिहड़े कुछ जथेबंदियां उस फ्रंट तो बाहर सी जॉइंट फोरम तो वह जथेबंदियों ने भी अज साझिया मंगा से जोड़े शामिल हो गए 26 तक प्रोग्राम जो चालू होना। धरना दिता गया जी पूरा जिले का कल फाजिलका का ए जी अपने शहरी साड़ी फाजिलका स्वरमन साड़ी फाजिलका लादूका वाले साथी उत्थे धरना दे रहे हैं, तो खुईखेड़िया वाले साथी आप जी साड़ी अगे धरना दे रहे हैं, क्योंकि दो साड़ी आ गए शहरी तो स्वरमन साड़ी का। तो कुछ भावें हमायती तौर पर असं पेंशन रजिस्ट्रेशन के भी कुछ साथी साढ़े जेडे ये शामिल हुए हैं धरने। तो आने वाले समय के जी गिणती है असी, क्योंकि जिस वे भी क्योंकि कला ये धरने मुजहरे तक मसला हल नहीं होना, जे कल सानू जे कित उपरला अदारा जो साड़ी उपर पंजाब पद्धर की कमेटियां जे वह जामदा भी सानू जे सद्दा दिंदियां ते उहदे विच जिथे भी कित भी सानू जाम लाउणा पिया वह असी बकायदा प्रशासन को पहला चेतावनी दे के असी जाम वगैरह बंद भी सड़क भी जाम करांगे जे पंजाब सरकार ने या मैनेजमेंट ने जिहड़ियां मुलाजमन के जिहड़े मसले आ वह हल ना। दर्शन लाल सर्कल प्रधान एम्पलाईजेशन PSPCL असी अज बिजली मुलाजम एकता मंच पंजाब वालों पहले दिन धरने के अंदर शामिल होए हैं। छुट्टी दे के साडा समुचा जिहड़ा मुलाजम है वह अज हड़ताल करन जा रहा है, और इस तो पहला असी 11 तरीक नूं हैड ऑफिस पटियाला विखे बिजली मुलाजम एकता मंच पंजाब के सदे पर तिना गेटा का घराओ किया, और इस तो बाद 26 तरीक तक साडा इस हड़ताल का प्रोग्राम है, और 22 तरीक तो लैके 26 तरीक तक असी फिर 24 घंटे लगातार मैनेजमेंट के तीनों गेट घेरने ने, जिदे साडा पक्के तौर पर फैसला है। और अज का जिहड़ा प्रोग्राम है ये अंदर समुचा मुलाजम वर्ग टैक्नीकल सर्विस यूनियन के साथी ने, इंपलाई प्रेशन साथी बलजीत सिंह दी यूनियन दे ने, इंपलाई प्रेशन जिस तरह असी बिजली मुलाजम एकता मंच पंजाब वालों कत्तर होए हैं, MSU दे साडे साथी जिहड़े क्लैरिकल साथी ने वो लगभग सारे साथी ने, और ऐलान किया जा रहा है 36,000 नौकरियां दी जा रही है, मुलाजमान का हक भी लिया जा रहा है। देखो जी असी इस चीज़ पर जे कोई चंगा सरकार करती है वो असी धन्यवादी हाँ, पर अंदर एक जो असी मैं तो शरारती कहांगा भी पंजाब सरकार नूं ये जिहड़ा जदों कांग्रेस की सरकार बनी है इन्होंने ये कहा कि असी मुलाजम पक्के भी करांगे नवीं भी नौकरियां देंगे, बिजली के बिल मतलब जिहड़े अज हुण 3 रुपए यूनिट का कटा रहे ने रेट भी असी वह भी कटावे, पर इन्हों उदों कटाना चाहिए सी जिहड़ा अज कटा रहे ने, तो इट मीनस के आपका वोट पक्का करने के लिए कर रहे हैं, जो कि असी समझते हाँ कि ये जिहड़ा सी ये पहला करना चाहिए सी। ठीक है जे कि चंगा काम कोई भी सरकार ज कोई भी करता है असी वो विरोधी नहीं हाँ, पर जितों तक रेट कटाउण का सवाल है जिमें कि हूँ सीजन चल रहा है कणक की बिजाई हो रही है वालों हड़ताल की जा रही है कि उसको विघन नहीं पाएगा जिमीदार की? हाँ ये तो रीजन पवेगा, पर ये जी जिम्मेवार है वह सरकार है, और इतों के जानी सिविल प्रशासन जोड़ा है जो समुचा मुलाजम संघर्ष के राह पे है, और सब स्टेशन से जोड़े बिठाए ने इंजीनियर वगैरह उन्होंने पहली गल तो जानकारी नहीं, जे कोई थोड़ी बहुती अधूरी जानकारी है जे किता फाल्ट पै गया उन्होंने फाल्ट कढ़ना मतलब आना ही नहीं, ना ही कोई उन्होंने पता है, लाइट बंद हो गई आने वाले समय से तो बंद रहेगी 26 तक। इस तो बाद असी इस तो बाद अगला जिहड़ा मतलब जिवें मैं पहला दस्सिया जी 22 तो 26 तक असी 24 घंटे लगातार मतलब मैनेजमेंट के अंदर जिहड़ा अंदर चलिया गया वो अंदर ही रहेगा, जिहड़ा बाहर होया उहनूं असी अंदर नहीं जाण देना, जानी मतलब कराओ करांगे काले झंडे ला के रोस प्रदर्शन करन दा। जे शहर या पिंड दी लाइट बंद हो जांदी तां उहदा फिर किवें मसला हल होएगा जी? उहदा हल जिहड़ा है उह आपे सिविल प्रशासन जां पंजाब सरकार करेगी जां
मतलब कारपोरेशन की मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि अज समा जिहड़ा है जो सारे मुलाजम, क्योंकि जिहदे मुलाजमां दे सिर ते सरकार है, जनता दे सिर ते सरकार है, जो जनता ही नहीं सैटिस्फाई, जो जनता ही नहीं मगर चल रही, तो फिर वो सरकार कहदी रहेगी, जो मैनेजमेंट कहदी रहेगी। जे एक परिवार दे मैंबर सारे वो तो अनाइल्ड ने, रुस के जा रहे हैं, तो वह परिवार को कोई सियाणा नहीं, मुखी को सियाणा नहीं कोई कहेगा, जिस करके परिवार के मुखी को कह लो या मैनेजमेंट न थोड़ी मतलब सारिया यूनियन नहीं मनती तो चुनाव का विरोध किया जाएगा जी कितने जी वोटों के भी साढ़ा मतलब चलेगा, क्योंकि असी लगातार साढ़ा जोड़ा प्रोग्राम हूँ फिलहाल भावें 26 का है, जे नहीं हल हों तो इस तो बाद प्रोग्राम होर अणमिथे समय लिए भी हो सकता है, मतलब इस तो तिके प्रोग्राम आम जनता का असर पैगा इस चीज़ का। बिल्कुल जी, आम जनता भला ये तो प्रभावित हो रही है, पर असी आम जनता ने भी यह बेनती कर रहे हैं कि साडा यह कोई शौक नहीं, क्योंकि असी भी किसानों के भी पुत हैं और साढ़े भैन भरावों पर ये असर पैना जो बिजली बंद होंगी भी, पर असी उन्होंने ये भी अपील कर रहे हैं कि तुम साडा सहयोग दो कि जो मसला है हल हो, कसूरवार पावर कारपोरेशन की मैनेजमेंट है और पंजाब सरकार है, भी वो ना कोई साडा मुलाजम है कसूरवार कल न कह भी मुलाजम काम नहीं कर रहा जे फाल्ट नहीं क्या मतलब बिजली नहीं चल, मतलब असी एक महीना पहला मतलब मैनेजमेंट न इस गल का नोटिस दिता है जी भी असी इन्नी तरीक तो मतलब आपके संघर्ष के राह पवेंगे जो साड़िया मंगा ने मान लो, जो हम ये मैनेजमेंट ने मंगा नहीं मनिया तो वह साढ़े मुलाजमान का जो सा कोई कसूर नहीं, ठीक है, मैनेजमेंट ही जिम्मेवार। कुछ तो समस्यावान है पर असी स्टाफ द मैनेजमेंट कर रहे हैं, साड़ी कई यूनियन हड़ताल से नहीं उन्होंने असं मैनेज कर रहे, तो पिंडा जी परेशानी पै रही है जिम्मे कणक का टाइम है जिस पानी की दिक्कत लोड़ है तो वह कभी मैनेज होएगा चल रहे हाले तक तो सू कोई समस्या नहीं आई, अगर देखते हैं असं सवाल पूछे से उन्होंने भी जो मान लो बिजली चली जाती है तो यह किमें सही होगी, वह कह रहे भी सिविल प्रशासन सही करेगा, सिविल प्रशासन किमें सही करवाएगा जी? नहीं देखो हाले तक तो असं मैनेज कर रहे हैं, अगे देखो की हालात बनते क्योंकि सारे मुलाजम तो उत्थे बैठे ने जी, नहीं सारे नहीं हाले को साडे कोल है स्टाफ, दो तीन यूनियन का है स्टाफ।